जय हिंद साथियों। तो ये आइए आज का सेगमेंट शुरू करते हैं। आज के सेगमेंट में देखेंगे ये निहंग सिख कौन होते हैं, और ये टॉपिक सेंसिटिव है थोड़ा, तो आइए शुरू करते हैं। ये निहंग सिख हैं, और ये इनके ऐसा माना जाता है कि निहंग सिख कभी भी जो सामने वाला है उसके पास अगर हथियार नहीं है तो उससे युद्ध या लड़ाई या उसके ऊपर वार नहीं करेंगे। लेकिन अभी क्या हुआ है, सिंघू बॉर्डर पे एक व्यक्ति था, दलित सिख था, और वो एक तरह से उस पर ये आरोप लगा है कि उसने बेअदबी की जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसकी, तो इसी की वजह से उसकी लिंचिंग हो गई। उसका एक तरह से उसको काफ़ी देर तक जो बैरिकेड होता है पुलिस का, उसको उल्टा करके उसी पे लटकाए रखा गया उसका शव। तो ये बहुत ब्रूटल है। तो अभी देखते हैं क्या 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 हिस्ट्री और क्या सच्चाई है एक्चुअल में। ये पहले तो आप देख सकते हैं दिल्ली का जो ये सिंघू बॉर्डर है, यहाँ पर ही ये घटना हुई है। ये एक तरह से जो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है, आप दिल्ली से अगर चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ एक यूटी भी है, तो ये सिंघू बॉर्डर के थ्रू होके ही जाएंगे। इसके साथ में अगर आप दिल्ली में और इंटर करेंगे तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये आप अगर देखेंगे तो ये जो दिल्ली है ये आप ऐसे देख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आप ईस्ट इधर हो जाएगा, ये देख सकते हैं पहले। अगर आप ईस्ट से इंट्री करेंगे तो आपको गाज़ियाबाद लोनी बॉर्डर है, दिल्ली गाज़ियाबाद सीमापुरी बॉर्डर है, और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है, गाजीपुर बॉर्डर है, जिस गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, और दिल्ली नोएडा लिंक रोड बॉर्डर है, दिल्ली नोएडा DND बॉर्डर है, दिल्ली आगरा हाईवे बदरपुर बॉर्डर है जो आश्रम वाला आश्रम से होके जा रहा है, और फिर दिल्ली जयपुर हाईवे रजोकरी बॉर्डर है ये, और ये एक तरह से जो गुरुग्राम है उधर से होके निकलता है, और फिर दिल्ली रोहतक टिकरी बॉर्डर, ये टिकरी बॉर्डर है जो मेट्रो स्टेशन है, लास्ट मेट्रो स्टेशन है टिकरी कला। तो यहाँ से आप अगर जाते हैं तो ये आपको हरियाणा में इसके थ्रू जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा दिल्ली के हाईवेज़ हैं जहाँ पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। तो अभी जो मुद्दा है उसमें ये है कि जो एक आदमी है इसी सिंघू बॉर्डर पे, वो उसको मृत पाया गया है, और उसका जो एक तरह से जो बैरिकेड होता है मेटल, जिसमें आप देखते हैं पुलिस लिखा रहता है, उसी को आप देखते हैं हॉरिजेंटल खड़ा रहता है, नीचे पहिया रहता है, उसी को वर्टिकल करके उस पर टांग दिया गया था एक व्यक्ति का शव। और इसमें क्या हुआ है कि ये निहंग कम्युनिटी से एक व्यक्ति ने सरेंडर किया है और अरेस्टेड भी हुआ है, उसी के साथ में दो और भी लोग सरेंडर हुए हैं, और वो साफ साफ कह रहे हैं कि इन्होंने वेद भी किया था, इसलिए मैंने इन्हें मतलब इस तरह से इनके साथ किया है, और मुझे कोई पछतावा नहीं है, ऐसा उनका स्टेटमेंट भी है आप अगर देखेंगे तो। इसके साथ में ये जो 35 साल का था ये लखवीर सिंह नाम था, और ये इसको सस्पेक्ट इनका सस्पेक्शन का था कि ये इसी ने गुरु ग्रंथ साहिब को एक तरह से बेअदबी की थी उसके साथ में। और ये जो एक तरह से इस पे दुख भी नहीं है निहंग सिख को, ये यहाँ पे इस लाइन में ये है कहने की बात है कि उनका कहना है कि इन्होंने बेअदबी की थी, तो इसकी वजह से हमने इसे ऐसी सज़ा दी है, और फिर लेकिन कानून है और उसके हिसाब से चलना चाहिए। अभी गिरफ्तारी भी हुई है, और जो फार्मर ग्रुप हैं, चाहे किसान संयुक्त मोर्चा हो या और नेता हो, उन्होंने इस घटना से अपने को किनारा कर लिया है। उनका उनका कहना है कि हमें इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। जो निहंग है ये ऑर्डर है सिख वॉरियर का।